अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ जवेद। आप देख रहे हैं ब्राइट हाउस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तमाम देखने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जैसा कि आपको इलम है कि ब्राइट हाउस की कोशिश होती है कि अपने व्यूवर्स के लिए कुछ ऐसी और नया प्रोडक्ट्स लेकर आए जिनके बारे में या तो आप सर्च कर रहे होते हैं या आप जानना चाहते हैं। तो आज की प्रोडक्ट भी हमारी बड़ी नायाब और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं हाथ से बर्तन धोने के लिए, तो उनके लिए बहुत नायाब और बहुत अच्छी और बहुत कम प्राइस में प्रोडक्ट है। तो मेरे साथ आज़म भाई हैं जो कि हमें आज की प्रोडक्ट का कंप्लीट डिटेल जो है रिव्यू भी देंगे और उसकी स्पेसिफिकेशन भी बताएंगे और उसके अलावा उसकी प्राइस को भी गाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आजम भाई का नंबर भी दिया होगा, आप आजम भाई से डायरेक्ट कॉल करके भी राब्ता कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद आजम है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जी मैं इंशाल्लाह आपके लिए जल्द नई वीडियो बनाऊंगा डिश वाशर के बारे में। बड़े कम लोगों को भी डिश वाशर के बारे में मामूल आता है। इसमें एक चीज़ और भी है कि मार्केट में दो तरह के डिश वाशर आते हैं, एक है स्टीम वॉश वाला, एक विदाउट स्टीम वॉश होता है। अब स्टीम वॉश के अंदर लोगों को ये नहीं पता कि स्टीम वॉश कहते हैं किसको है। आज इंशाल्लाह मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें बारे में मुकम्मल गाइड कर पाऊँ और आप इंशाल्लाह इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। आए मैं आपको इसका दिखाता हूँ जी। अच्छा जी, ये LG कंपनी का डिश वॉशर है और ये पाकिस्तान में न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है। दो मॉडल हैं इसके अंदर, एक जो मॉडल है उसमें इन्होंने 21 प्लेट्स दी हैं और एक जो है वो 14 प्लेट्स के साथ है। प्लेट से मुराद है कि इसकी सर्विस से पता चलता है कि कितनी प्लेट की सर्विस इसमें ईजी वो आप लगा सकते हैं। और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ होता है और ये डिश वॉशर डायरेक्ट ड्राइव मोटर के साथ आता है जो LG की स्पेशलिस्ट्री है। LG फ्रंट लोड वॉशर और अपने डिश वॉशर डायरेक्ट ड्राइव में बनाता है और बड़ी कंपनियां बनाती हैं। इसमें ये चीज़ दी गई है जो स्टीम वॉश का मैं आपको नाम दे रहा हूँ। ये स्टीम वॉश का इसलिए है कि बाद लोगों के यहाँ पे बर्तन जो ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, जो आप कहते हैं कि डिश वॉशर ने बिल्कुल अच्छे नहीं धोए, तो अब इसलिए पहले वो स्टीम करेगा, उसका सारा जो है वो आपका ऑयल वगैरह पहले निकाल लेगा, उसके बाद आप इजी इसको वॉश कर सकते हैं। और डिश वॉशर के अंदर खास चीज़ जो होती है वो ये होती है कि डिश वॉशर के अंदर जी मोटर कौन सी लगी हुई है, मोटर पावर कितनी है। बाद लोगों के दिमाग में होता है पता नहीं है कितनी मोटर हैवी लगी होगी, इसके बहुत ज़्यादा जो है वो बिजली का खर्च होगा। तो मैं आपको एक बड़ी इसमें अच्छी चीज़ बताता हूँ जाऊँगी कि ये बड़े मुनासिब से वॉट के होते हैं और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में होते हैं। सेकेंडली, डिश वाशर के बारे में लोगों को मुकम्मल अवेयरनेस ये भी नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे इसमें कोई खास किस्म का कोई डिनर सेट है वही धो सकते हैं। डिश वाशर ये जो LG कंपनी का है इसमें हर किस्म का आपका बर्तन भी धुल जाता है, जो मर्जी आप रेगुलर यूज़ के करना चाहते हैं, जो आप खाने पीने के बर्तन जो चीज़ इसके अंदर समा जाती है इंशाल्लाह वो आपको ये वॉश करके देता है। इसके ऊपर जो है ट्रे भी है एक सेपरेट, ये दो पोर्शन भी नीचे होते हैं और एक जो है वो छोटे बर्तन के लिए जो है वो इन्होंने दी हुई है ऊपर ट्रे। ये इसको अप एंड डाउन भी आप कर सकते हैं। ये अंदर इसकी जो रेलिंग है इसको आप बटन प्रेस करेंगे तो ये नीचे चली जाएगी। अगर आपके पास बर्तनों की स्पेस ऐसी है कि कोई बड़ा बर्तन है तो आप कहते हैं कि इसमें स्पेस कम लग रही है तो है। और डिश वॉशर के अंदर खास चीज़ मार्केट में वो ये नहीं है स्टीम वॉश वाली, जो पहले लोग बड़े से परेशान होते थे कि यार डिश वॉशर लिया है तो उसने अच्छे बर्तन नहीं धुलते। वो स्टीम वॉश कंपनी ने मुतारफ़ इसीलिए कराया कि ये मुकम्मल आपको जो है वॉशिंग दे और आप ये ना कहेंगे यहाँ पर आपके पैसे वेस्ट हुए हैं। और इंशाल्लाह ये चीज़ आपको मार्केट में बड़ी कम दुकानों में अभी तो खैर है, बाकी जैसे जैसे वक्त है उतना लोगों को पता चलता जाएगा, आप जैसे डिमांड करेंगे तो आपको नजर आएगी। इससे जो पहले मॉडल आते थे उसमें ये स्टीम वॉश वाला प्रोग्राम नहीं था। मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक छोटा सा लिंक वीडियो का आपको मैं अपने चैनल पर दिखा दूँगा कि किस तरह करके वर्किंग करते हैं, जिसकी वर्किंग भी दिखाऊँगा। यहाँ पर वो हमारा सेटअप नहीं ऐसा कि हम इसको वर्किंग दिखा सकें, मैं गाइड कर सकता हूँ मज़ीद इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी वर्किंग भी दिखाऊं कि ये स्टीम आया के कैसे काम करती है। जजाकअल्लाह।